आयकर विभाग हाथरस द्वारा अलीगढ़ रोड स्थित श्री जी फार्म हाउस में आयकर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त जयंत मिश्र सहित जिला कर अधिवक्ता व व्यापारी गण मौजूद रहे। आयकर कार्यालय हाथरस द्वारा अलीगढ़ रोड स्थित श्रीजी फार्म हाउस में एक आयकर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलीगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त जयंत मिश्र ने कार्यक्रम के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा हाल में ही संसद में लाए गए विवाद से विश्वास बिल के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल उक्त बिल लोकसभा में पारित हो गया है और जल्द ही अधिनियमित हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिकारी अतुल चतुर्वेदी, जेपी शर्मा, जिला कर अधिवक्ता एवं अन्य गणमान्य व्यापारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का कुशल संचालन आयकर निरीक्षक रंजन सैनी ने किया। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, श्री बीके शर्मा जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि श्री जयंत मिश्रा सर को और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम अवतार अग्रवाल जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के हमारे जिला टैक्स एसोसिएशन के सचिव श्री विनोद अग्रवाल जी और हमारे के मुखिया माननीय श्री जयंत मिश्रा साहब, प्रधान आयकर आयुक्त अलीगढ़ एवं आगरा, उपस्थित हाथरस के प्रबुद्धगण, निर्धारितीगण, अधिवक्तागण, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सम्मानित सब जन, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हमारे सैनी जी ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि आयकर विभाग और एक समाज और जो हमारा समाज है उसके बीच में एक गैप है, दूरी बनी हुई है, तो इसको कैसे पाटा जाए, जो आपस में किसी तरह की भ्रांतियां हैं या किसी तरह का मतभ्रम बना हुआ है उसको कैसे तोड़ा जाए। वास्तव में देखा जाए तो हम और आप एक ही हैं, हम आप में से ही हैं, आप हम में से ही हैं। दिया है हाथरस औद्योगिक आस्थान सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मोहता जी और सचिव श्री प्रदीप गोयल जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारे मुख्य अतिथि को एक बुके देकर के उनका स्वागत करें। वैसे तो हिंदी साहित्य में सरदार संपूर्ण सिंह ने लिखा है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच जो शब्द रहित भाषा है वो प्रेम की नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरा परिदृश्य है इसका। और इसलिए हम आज आपके बीच में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसलिए हम आज आपके बीच में आए हुए हैं कि अगर हमारे बीच कोई संवाद ना भी हो तो जो प्रेम की शब्द रहित भाषा है वो तारी बनी रहे, इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और हमने सबसे पहला कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया था, मुझे लगता है आप सब लोग यहाँ पर काफी समय से, मैं तो बहुत बाद में ज्वाइन किया है, आप लोग इस बात को बेहतर तस्दीक करेंगे इस चीज की कि आयकर विभाग की तरफ से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं इस शहर में। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम अवतार अग्रवाल जी को इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ मंच पर कि वो आए और दो शब्दों में अपना उद्बोधन आपके बीच में रखें। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम अवतार अग्रवाल जी। संचालक जी, सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि मुख्य आयकर आयुक्त श्री मिश्र साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि हाथरस नगरी में प्रथम बार आपका पदार्पण हुआ है। मेरे स्मरण में शायद ये प्रथम मौका है जब हाथरस में मुख्य आयकर आयुक्त का आना हुआ है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की, बहुत हर्ष की बात है। निश्चित रूप से आयकर विभाग में पिछले 5-10 साल में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले जहां हर व्यक्ति आयकर विभाग से डरता था, दूर भागता था, अब ऐसी बात नहीं है। अब आयकर विभाग में आना चाहता है, बात करना चाहता है और हमारे अधिकारीगण भी बड़ी आत्मीयता से बात करते हैं, समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी कोई समस्या है तो उसका निवारण हो। अगर उनके ऊपर इस तरह की बाध्यता होगी या एक प्रश्न होगा तो वो
इंडस्ट्री बंद करना तो दूर, लगाने की बात होगी। तो जब तक इस देश में थोड़ा सा इस तरह का वातावरण परिवर्तित नहीं होगा, देखिए जो भी टैक्स आएगा वो आएगा व्यापार से ही, जब तक इनकम नहीं होगी टैक्स नहीं आएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बगैर इनकम बढ़ाए व्यापारी की या पब्लिक की उसके ऊपर से टैक्स निकालते हैं, उससे फिर वो व्यापार का ढांचा और बिगड़ेगा। जैसा कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जो आर्थिक मंदी आई है, तो वो हमें विचार करना चाहिए। तो निसंदेह बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एक हम चाहेंगे कि हमारे व्यापार मंडल के माध्यम से शहर के मध्य में ITR के बारे में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और करदाता हैं, उनके मध्य पैन कार्ड को लेके ITR को लेके एक कैंप टाइम टू टाइम आयोजित किए जाएं। हमारे सभी संभ्रांत बंधु, आयकर विभाग हम लोगों के बीच में आया है, हम लोगों के साथ तालमेल बनाना चाहता है। ये जो प्रॉपर्टी सन 16 में हम लोगों ने देखी थी, जैसा सैनी जी ने बताया, आज पुनः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। मैं आयकर विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में गत 5-7 साल में केंद्रीय सरकार के द्वारा आयकर विभाग में जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे हम सब लोग लाभान्वित तो हैं। हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमारा असेसमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। हमने रिटर्न अपने CA के माध्यम से भरा और ऑनलाइन वो चला गया, ऑनलाइन वो हमारा रिटर्न कौन स्क्रूटनी करेगा किसी को पता नहीं। तो वो जो गलतफहमी विभाग में होती थी, जो अधिकारी को जानकारी में आता था, वो विषय लगभग पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहा। और इसका कारण भी है कि हम सब लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तो निश्चित है कि कोई इसे हाइकर नहीं कहता और सुधार लगातार हो रहा है। आप सब लोग जान रहे हैं कि पहले के मुकाबले कितना कुछ बदल चुका है और आगे और भी अभी बहुत आगे जाना है, जैसे मेरे एक साथी ने बताया। और मुझे तो आश्चर्य है कि मेरे निर्देश के बाद भी कैसे वो समस्या हल नहीं हुई। लेकिन मुझे एक लगता है कि कहीं उनके बात में ही मुझे, मैं अभी आगे उनसे बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अज्ञानता है, जैसे उन्होंने कहा कि रूरल इलाकों में भी हमले जाना चाहिए, और इसी के मद्देनजर कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्री मिश्र ने सही आय की गणना एवं अग्रिम कर की अदायगी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने देशीय आर्थिक प्रगति हेतु आयकर का आधार बढ़ाने हेतु नए करदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का आह्वान भी किया। इनकम टैक्स द्वारा प्रोग्राम किया गया, इस बारे में बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि आयकर विभाग दिन ब दिन करदाताओं से ज्यादा जुड़ता जा रहा है। हमारे करदाता जो अगर हमारे पैन कार्ड देखे जाए तो 49 करोड़ के करीब है पूरे देश में, लेकिन जो रिटर्न भरने वाले केवल 7 करोड़ के करीब। तो 40 करोड़ से अधिक पैन कार्ड धारक हैं जो कि रिटर्न नहीं भर रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नागरिक आयकर विभाग से जुड़े, अपने आयकर विवरणी भरें, अपना टैक्स भरें, लोग अपने आय का सही आकलन करें। और आयकर विभाग से डरने की बजाय उसको अपना साथी समझें और आयकर के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको ऐसा माने कि वो हमारे सहयोग के लिए। यही संदेश मैं अपने सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को देता हूँ, और यही मेरा भी मूल मंत्र है कि हम करदाताओं से अलग नहीं हैं। करदाता भी इस देश के नागरिक हैं, और जो हमारे व्यापारीगण हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो धन को बना रहे हैं और तमाम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देश के लिए जरूरी राजस्व दे रहे हैं। तो उनका एक सम्मान होना चाहिए, और ये सम्मान की भावना तभी आ पाएगी जब हम मिलते रहें, विभाग के बीच में और करदाताओं के बीच में एक संवाद रहे। जो संवादहीनता की स्थिति एक पहले हुआ करती थी उसको हम दूर करते जा रहे हैं, और इसी उद्देश्य से कि एक संवाद हो,
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयकर विभाग से जुड़े और जो हमारे पहले से ही करदाता है वो भी अपनी आय का सही आकलन करके अपना सही टैक्स दें, और साथ ही करदाताओं से ये समझा जाए कि उनको क्या समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं दूर की जाएं कि जिससे वे ज़्यादा सही तरह से अपना आयकर चुका सकें, और कौन सी समस्याएं उनकी आमदनी बढ़ाने में है उन समस्याओं को भी दूर किया जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके, और जब आमदनी बढ़ेगी आय बढ़ेगी तो आयकर भी बढ़ेगा। और साथ ही जो एक नई स्कीम आई है विवाद से विश्वास, जो कि लोकसभा के द्वारा पास हो चुकी है और 31 मार्च तक उसमें डिक्लेरेशन देना है, उस स्कीम के लिए विशेष तौर पर लोगों को जागरूक करना था कि वो स्कीम से जुड़े। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें केवल मूल टैक्स की राशि देकर सारे ब्याज पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन आज सबसे बचा जा सकता है। तो मेरी अपील है सारे हाथरस के सागरीय नागरिकों से, सारे करदाताओं से, कि जिनके भी कोई डिस्प्यूट हैं आयकर विभाग से, इसको हल करने का एक बहुत ही कम मूल्य में बहुत ही सुनहरा मौका है, और इसको हाथ से ना जाने। धन्यवाद।